हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा 660 वाट का सोलर सिस्टम है, ये फ्रेंड आज हम इसकी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को भी देखे हुए। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं छत पर, और जो कि एक स्ट्रक्चर पर लगे हुए हैं। फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर भी हमने ही बनवाया है यहाँ पर लोकल शॉप से। और यहाँ पर हमारे पास 4 पैनल है, जिनमें से प्रत्येक पैनल 165 वाट का जन सोलर का पैनल है। और फ्रेंड, यहाँ पे चारों के चारों पैनल पैरेलल में लगे हुए हैं। और जो टोटल हमारा सोलर सिस्टम है, ये 600 वाट का सोलर सिस्टम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड। और यहाँ पे सोलर सिस्टम के साथ हमने 6 mm का माइक्रोटेक का DC वायर यूज़ किया है। तो चलते अब SMU की स्क्रीन पर, जहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। फ्रेंड, एक साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं सोलर सिस्टम को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे हमारे पास माइक्रोटेक का इन्वर्टर है E2+, जो कि एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। और यहाँ पे माइक्रोटेक की बैटरी है, लगभग 5-6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इन दोनों की। और यहाँ पे मैंने फ्रेंड 2 साल हो गए लगभग, जब से मैंने इसको एक नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर दिया है इस UTL SMU की सहायता से, जिससे कि दिन में सोलर से लोड चलता है और रात को ग्रिड से चलता है। जब लाइट चली जाती है तो बैटरी से लोड चलता है। और आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो धूप इतनी प्रॉपर नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए अभी फ्रेंड मैं दिखा देता हूँ आपको, 40 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि PWM है, और 12.89 वोल्ट पे हमारी बैटरी है सोलर से आ रहे हैं, 12.8 वोल्ट और 9.1 एम्पीयर आ रहे हैं। और देखिए फ्रेंड, आप ऑटो मोड में, हमारा SMU मेन अभी एबसेंट है, इसलिए बाईपास इसने ऑफ कर रखा है। देखिए यहाँ पे सोलर चार्जिंग स्टेटस, बैटरी हमारी बल्क में है, मतलब कि 80% से कम चार्ज है। वैसे भी हमें वोल्टेज देख के समझ में आ रहा है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज नहीं है। और यहाँ पे देखिए बैटरी के वोल्टेज है 12.89 और 9 एम्पियर से लगभग हमारी बैटरी अभी चार्ज हो रही है करंट में। अभी फ्रेंड मैंने कुछ लोड भी चला रखा है, इसलिए सोलर का वोल्टेज थोड़ा डाउन हो गया है, नहीं तो वैसे 15 से 15 वोल्टेज तक रहता है जब बैटरी हमारी चार्ज होना स्टार्ट होती है। बट अभी लोड भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा वोल्टेज डाउन हो गया है, क्योंकि बैटरी से भी करंट लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 531.1 यूनिट लगभग हम सेव कर चुके हैं सोलर सिस्टम से। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 12.89 वोल्ट पे हमारी बैटरी है, 9 एम्पियर बैटरी में जा रहे हैं अभी, और सोलर से आ रहे हैं 12.8 वोल्ट, और यहाँ पे लगभग 9 एम्पियर के समथिंग अभी हमारी बैटरी में जा रहे हैं, जहाँ से फ्रेंड लोड भी चल रहा है। अभी 2 फैन चल रहे हैं करंट में, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है फ्रेंड। मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सेटअप। आप भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।